बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरने वाली नोरा फतेही आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। नोरा फतेही फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक्ट्रेस डांस के साथ अपनी ग्लोइंग ब्यूटी के लिए भी जानी जाती हैं। यही वजह है कि लोग नोरा की नूर और उनके कातिलाना लुक्स के दीवाने हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस को इसीलिए भी जाना जाता है क्योंकि एक्ट्रेस हमेशा ही स्टाइलिश और फैशनेबल ड्रेस कैरी करती हैं और इन्हें अपनी स्टाइलिश ड्रेसेस की वजह से सबके सामने शर्मिंदा भी होना पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक SS राजामौली की सुपरहिट फिल्म बाहुबली के सेट पर नोरा फतेही बेहद ही शर्मनाक घटना का शिकार हुई थी। इस घटना से उन्हें शर्मिंदगी का सामना तो करना ही पड़ा, लेकिन साथ में एक्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा डर भी गई थी। दरअसल बात तब की है जब एक्ट्रेस बाहुबली के प्रोफेशनल सॉन्ग मनोहरी की शूटिंग के लिए पहुंची थी। बाहुबली के प्रोफेशनल गाने के एक हिस्से की शूटिंग के दौरान सभी के सामने अचानक नोरा फतेही का टॉप फिसल गया था, जिस वजह से वह सबके सामने वार्डरोब माल फंक्शन का शिकार होना पड़ा था। हालांकि इस मौके पर फिल्म की लीड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी मौजूद थी। तमन्ना की स्मार्टनेस के चलते हालात को संभाल लिया। यह घटना को बताते हुए अभिनेत्री ने कहा कि यह उनके जीवन के सबसे भयानक पलों में से एक था और वह इसके लिए तमन्ना भाटिया की आभारी हैं कि उन्होंने सेट पर उनकी मदद की। इस घटना के बाद एक्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, जिसके बाद एक्ट्रेस को विश्वास दिलाया गया कि इस फुटेज को यहीं पर डिलीट किया जाएगा, इसकी कोई भी फोटो बाहर लीक नहीं होगी, जिसके बाद इस फुटेज को वहीं पर डिलीट कर दिया गया। बाद में एक्ट्रेस ने इस बात का खुलासा खुद ही सबके सामने किया और कहा कि यह सबसे भयानक और शर्मनाक था। बता दें कि फिल्म बाहुबली के इस गाने की शूटिंग हैदराबाद में हो रही थी, जिसमें एक्ट्रेस वार्डरोब मालफंक्शन का शिकार हो गई थी। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।